नमस्कार, आइए आज हम बनाएंगे इंदौरी पोहा। दोस्तों, इंदौरी पोहा बहुत ही खाने में बहुत अच्छा लगता है और बनाने में बहुत आसान है। आप सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और बड़ी आसानी से बनने वाली है। आइए देखिए आज हम बनाएंगे पोहा। पोहा के लिए ये देखिए, हमने मोटा वाला पोहा लिया है और इसे हम अच्छी तरह से 2-3 पानी में अच्छी तरह से साफ करके धो लेते हैं। ये देखिए इसमें कितना इसका पानी कितना गंदा निकला है, और इसलिए इसे हमें 3-4 पानी में अच्छी तरह से धोना होता है। और इसे हमें, ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से 4 पानी से धो लिया है और इसका पानी हमने अच्छी तरह से निकाल दिया है। और इसमें अब हम 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी चीनी, करीब 1 चम्मच नमक हम इसी टाइम इसमें मिला देंगे, नमक बाद में नहीं हम डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक हम इसी टाइम डाल देते हैं। और ये आप देख सकते हैं, हमने इसमें अच्छी तरह से थोड़ा सा नमक और चीनी स्वाद के अनुसार दोनों चीजें हमने मिला दी। और अब हम इसे रख देते हैं, और तब तक हम इसका जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिया है वो हम आपको दिखाते हैं। ये राई है, जीरा है और हमारे पास में ये सौंफ है। ये हमने बारीक प्याज काट के लिया है, 1 नींबू लिया है और ये 4 हमने हरी मिर्च ली है, और ये हमने धनिया का बारीक काट के ले लिया है। ये देखिए, और अब हम पोहे में तड़का लगाएंगे। ये सारी चीजें हमने एक साथ पहले इकट्ठा कर ली है, क्योंकि हमें पोहा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगना है। और इसके लिए आप ये देखिए, तेज पत्ता भी हमने ले लिया है एक, और मूंगफली के दाने भी ले लिए हैं। यदि आपके पास मूंगफली के दाने कच्चे हैं तो पहले आप पका लें, हमारे पास पक्के दाने हैं इस करके हमने नहीं पकाया है। अब हमने थोड़ी सी ये 1 तेज पत्ता डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाली है, और सौंफ, जीरा और राई तीनों चीजें एक साथ हमने ऐड कर दी है। और ये देखिए, तेल हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है। और इसे हम थोड़ा सा पका लेते हैं, और जैसे ही हमारा जीरा और ये राई हमारी पक जाएगी, उसके बाद में हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। और लगभग हमारा ये जीरा और राई पक चुकी है। अब 1/2 चम्मच करीब इसमें हमने हल्दी ऐड कर दी है, और गैस को हमने ऑफ कर दिया है, और 2 चम्मच हमने इसमें पानी डाल दिया है जिससे कि हल्दी जले ना, क्योंकि हल्दी बहुत जल्दी जलने लगती है, इसलिए थोड़ा सा पानी जरूर डाल दें। और ये देखिए, आप चाहें तो फ्राई पैन में ही आप मिक्स कर सकते हैं पोहे को, और यदि चाहें तो ये जो तड़का तैयार किया है इसको पोहे में डाल के मिक्स कर लें। हमने फ्राई पैन में ही पोहा डाल के और अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, ये हमारे पास में है मूंगफली के दाने, सींग दाना जिसे बोलते हैं, और इसे भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ये हमारे पास पहले से पके हुए हैं, आपके पास कच्चे हैं तो पहले उन्हें थोड़ा सा तेल डाल के पका लें।
ये आप देख सकते हैं हमारे पास में पोहा मसाला है। पोहा मसाला इसमें हम ऐड कर रहे हैं। और यदि आपके पास में पोहा मसाला नहीं है तो आप थोड़ा सा मैगी मसाला, तो आसानी से हर जगह मिल जाता है, वो आप डाल सकते हैं। और नहीं है तो फिर आप लगभग पोहा का मसाला चाट मसाले से मिलता जुलता होता है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इसमें हमने हरी धनिया ऐड कर दी है। और उसके बाद में हम इसमें कच्चा प्याज डालेंगे, हमने प्याज भुना नहीं है। पोहे में ठेले वाले हमेशा कच्चा प्याज ही डालते हैं और खाने में बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए प्याज हमने, करीब 3 प्याज हमने इसमें ऐड किए हैं मीडियम साइज के। और ये देखिए हमारा पोहा कितना बढ़िया से खिला हुआ तैयार हुआ है। अब थोड़ी सी इसमें बारीक वाली भुजिया है हमारे पास, वो डाल रहे हैं। आपके पास में जो भी बारीक वाली है, मोटी वाली जो भी भुजिया है वो डाल सकते हैं। और इसमें अब हम नींबू निचोड़ देते हैं। और ये हमने नींबू इसमें निचोड़ दिया, इसे हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में आइए हम प्लेट में पोहा सर्व करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं पोहा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ऊपर से थोड़ी सी भुजिया और हम डाल देते हैं। बस पोहा हमारा बहुत आसानी से बनके रेडी है और खाने में बहुत अच्छा है, सभी को बहुत पसंद आएगा। बच्चे तो पोहा बहुत पसंद करते हैं और मुझे उम्मीद है कि बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे। आप कभी भी ठेले पर पोहा खाते हैं तो आप देखिए कि हम कितनी आसानी से घर पर भी पोहा बना सकते हैं।